हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये IITJM 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम 2017 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पढ़ेंगे और ये जो वीडियोज होंगी हमारे पास, वन बाय वन करके हम ये सारी वीडियोज पढ़ेंगे। वन बाय वन करके कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चन उससे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फंक्शन fxy बराबर 5 -4 sin x + y² 4 0 < x < 2π वेयर वाई बिलोंग्स टू आर। द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ fxy कंसिस्ट ऑफ, तो ऑप्शन है हमारे पास जो कि गिवन है, अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड अ सेडल पॉइंट, अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड अ लोकल मिनिमम एंड अ सेडल पॉइंट, अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड अ सैडल पॉइंट। तो लोकल मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो हम इस फंक्शन के पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर निकालते हैं हम इसका, तो वो क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें, ये 0 हो जाएगा, -4 sin x का -4 cos x ये हो जाएगा। और विद रेस्पेक्ट टू अगर वाई निकालेंगे तो हमारे पास fxy अगर निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा 2y। तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ से हम सैडल पॉइंट निकालते हैं। तो पहले जब हम fxy को 0 के इक्वल पुट करते हैं, xy इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो 0 के इक्वल पुट करने पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास -4 cos x, ये कब 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है हमारे पास या तो x बराबर π/2 हो या 3π/2 हो, तो ये तब 0 हो सकता है। और ये हमारे पास y जो है वो तो 0 हो गया हमारे पास। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से रहे हमारे पास, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं हम π/2 एंड 0, और सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है 3π/2 एंड 0। अब हमें इस पे चेक करना है कि ये यहाँ पे सेडल पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये सारी चीज़ हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें इसके सेकंड डेरिवेटिव भी निकालने पड़ेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव fxx यानी सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इसका पार्शियली, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 4 sin x। जब हम fyy निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका विद रेस्पेक्ट टू यानी कि 2, और जब हम fxy निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 0। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो अब यहाँ से हम अगर हम देखना चाहें, जो कि हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले RT - S² बेसिकली FxY होगा यहाँ पे, और FxY का स्क्वायर, इसका साइन चेंज कर चेक करना होता है। तो हमारे पास पहले हम इस पे देख रहे हैं π/2 एंड 0 पे, तो π/2 एंड 0 पे ये हो जाएगा हमारे पास 4 sin x है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 sin x, ये 8, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी है, fyy जो है 2 है, तो 8 sin x ये हो गया हमारे पास। अब sin π/2 जो की वैल्यू होती है 1, तो 8 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब फिर चूंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो अब ग्रेटर देन 0 होने पर हम fxx का साइन चेक करेंगे। fxx क्या है, वो भी हमारे पास 4, वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास π/2 एंड 0 पे जो है वो लोकल मिनिमा है। अगर ये लेस देन 0 होता तो लोकल मैक्सिमा होता, अब ये लोकल मिनिमा है, ये हो गया हमारे पास। अब हम चेक करते हैं 3π/2 एंड 0 पे, 3π/2 एंड 0 पे, तो वहां पे हमारे पास ये टर्म जो कि ये वाली टर्म जो होगी वो रहेगी हमारे पास नेगेटिव, ये वाली टर्म जो रहेगी नेगेटिव, क्यों, उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -8। तो इस पॉइंट पे ये वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ओनली सैडल पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 3π/2 जो है, 3π/2 एंड 0 जो है वो सैडल पॉइंट है। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हमें अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये लेस देन 0 है।
ये हो गए हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा मैच चाहता है, आ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो ये हमारे पास पाई बाई टू एंड जीरो जो है लोकल मिनिमा था, और एंड अ पॉइंट ऑफ सैडल पॉइंट, जो 3 पाई बाई टू एंड जीरो जो है वो सैडल पॉइंट है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लेट फाई आर टू आर बी डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट फाई डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग विद फाई डैश वन इक्वल टू जीरो। लेट एल्फा बीटा डिनोट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई एक्स ऑन द इंटरवल 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाई डैश वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और जो फंक्शन जो है फाई डैश ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। फ्रेंड्स फाई डैश नहीं है, सॉरी फाई है, फाई जो है फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब चूंकि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होगा, जैसे ये हमारे पास यहाँ 2 एंड 3, तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे भी चल रहा होगा, इस तरह से भी चल रहा है अगर, तो इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में हमारे पास हम देख सकते हैं बीटा डिनोट द मिनिमम, एल्फा डिनोट द मिनिमम वैल्यू एंड बीटा डिनोट मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास देन विच इज ट्रू, तो बीटा क्या है हमारे पास, एल्फा जो है वो है हमारे पास मिनिमम, एल्फा बराबर जो होगा वो होगा 5 2 एंड बीटा बराबर होगा 5 3, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम ये। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आता है, यहाँ पे 5 जो बीटा बराबर 5 3, यानी ये ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द एडिटिव ग्रुप Z36 इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास हम सब जानते हैं 5m। अब 5m तो 536, 536 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो ये लिख सकते हैं हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 5 2 स्क्वायर डॉट 5 3 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 5 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 5 2 स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास 2 डॉट 2 माइनस 1, और यहाँ पे 5 3 की होगी 3 डॉट 3 माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 6 यानी कि 12। 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 2 जो बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट एंटेस्ट इन्फिनिटी पाई अपॉन एन के बराबर 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई टू प्लस 5 पाई अपॉन 2 डॉट के अपॉन एन इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पाई अपॉन एन के बराबर 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई टू प्लस 5 पाई बाई 2 डॉट के बाई एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि अंदर 5 बाई 2 है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 5 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 5 पाई बाई 2 साइन पाई बाई टू प्लस एक्स ऑफ डी एक्स, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 0 टू 5 पाई बाई 2 कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, तो ये हो गया 2 अपॉन 5 0 टू 5, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये कॉस का हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, और ये लिमिट 0 टू 5 पाई बाई 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, जब 5 पाई बाई 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 साइन 5 पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ये हो गया हमारे पास। अब साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 5 पाई 2 2 पाई प्लस 5 बाई 2, तो साइन वैल्यू इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 अपॉन 5 ये हो गया 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 2 अपॉन 5, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।